यस बेटे, सब तो पहला आप रिवीजन करते हैं भाई वीर सिंह अदनी कविता दे मोडी जिन्हों की काव्य रचना तुसी कीती है, समा कविता ते एक धनी राम चात्रे गया विसाखी का मेला। ठीक है, दोनों चो वन मार्क क्वेश्चन कर लेने हैं कविया ना रिलेटेड। धनी राम चात्री के भी वन मार्क क्वेश्चन करते हैं, दोनों चो आ सकते हैं। जे कल्ली भाई वीर सिंह की कविता तुहानू सिलेबस लिखी है तो वो ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भाई वीर सिंह आधुनिक कविता दे मोडी, जन्म 5 दिसंबर 1872 ईस्वी, जन्म 5 दिसंबर 1872 अमृतसर। स्थान की है अमृतसर। पिता का नाम ऑलरेडी तुसी क्वेश्चंस कितने हुए ने, आप सिर्फ रिवीजन करनी है आज। पिता का नाम बोलो बच्चे सरदार चरण सिंह। माता का नाम बोलो बच्चे सरदारनी उत्तम कौर। सरदारनी उत्तम कौर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर आज क्वेश्चन कवि ना रिलेटेड ही आने। नेक्स्ट लिखो, भाई वीर सिंह जी दे नाना जी कौन सन जिन्ह ने उन्होंने बहुत सारी सिक्ख्या दिती ते जो कि एक प्रसिद्ध विद्वान सन। नाना जी लिख लो, जो कि प्रसिद्ध विद्वान सन। नाना जी कौन सन? हजारा सिंह, ज्ञानी हजारा सिंह। कौन सन? भाई वीर सिंह जी दे नाना जी उस समय दे प्रसिद्ध विद्वान। भाई वीर सिंह नूं केड़ी कविता दा जन्मदाता कहा जांदा है? बोलो आंसर। ये मैं करवाया होया, मैं उन्हूं अलग फॉर्म च करवाया सी। केड़ी कविता दा जन्मदाता? यस, आधुनिक कविता दा जन्मदाता। हुण नोट करो, आधुनिक कविता दी नी, आधुनिक कविता दा जन्मदाता। होर एक क्वेश्चन केड़ी फॉर्म च है, बोलो जल्दी। आधुनिक कविता दे मोडी, आधुनिक कविता दे मोडी, आधुनिक कविता दे जन्मदाता, आधुनिक कविता दी नींह किसने रखी? भाई वीर सिंह ने। तीन क्वेश्चन बंदे है, ठीक है। जन्मदाता भी कौन है? भाई वीर सिंह। नेक्स्ट, भाई वीर सिंह ने साहित्य दे केड़े रूपां ते कलम अजमाई है? ऑप्शंस है, नोट करो। कविता, वार्तक, नावल, नाटक। उपरोक्त सारे ही नावल ते नाटक एक ऑप्शन। कविता, वार्तक, साहित्य दो रूप होंगे ने। अगे है नावल, नाटक। नेक्स्ट वन इज उपरोक्त सारे ही उन्होंने नावल भी लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे। साहित्य हर खेत्र दे विच उन्होंने अपनी लिखता लिखिया ने, कवितावां भी, वार्तक भी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिख इतिहास दे लिखन ते संपादन दा काम किन्ने किता? भाई वीर सिंह ने केड़े इतिहास नूं लिखन ते संपादन दा काम किता? जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना गुरु अर्जन देव जी ने कीती ना, संपादना किंदी? इकत्तर करना। केड़े इतिहास नूं लिखन ते संपादन दा काम भाई वीर सिंह ने किता? केड़े इतिहास? सिख इतिहास। जहां क्वेश्चन आएगा सिख इतिहास से लिखन दे संपादन दा काम किसने किता? भाई वीर सिंह, प्रिंसिपल तेजा सिंह, डॉक्टर हरचरण सिंह, वक्त कवि जा लेखक। तुसी की लिखना है? भाई वीर सिंह। ठीक है, सिख इतिहास है लिखन ते संपादन दा, लिखन ते संपादन च की फर्क है, कोई दस सकदा? लिखना, संपादना मीन्स इकट्ठा करना, तरतीब देनी। संपादन दा काम हुंदा तरतीब देनी, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दे लिखारी भाई गुरदास जी होए ने, पर संपादन कौन होए ने? संपादना किने कीती? गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास गुरु अर्जन देव जी पाठ पढ़िया होया,
8th क्लास च पढ़िया सी ना, उहदे विच लैसन च पढ़िया सी गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना। गुरु अर्जन देव ने संपादना दा मतलब है रचनावां नूं इकत्तर करना, उहनां नूं सही तरतीब देणी। ठीक है, नैक्सट, भाई वीर सिंह की कविता क्यों जी है? प्रगतिवादी, विचारवादी, रोमांसवादी, यस बोलो बेटे, विचारवादी कविता है उन्हां दी। ठीक है, विचारवादी जे हुंदा ना रहस्यवादी, रहस्यवादी भी है, जां इहनूं विचारवादी कहिंदे है, जां उन्हां दी कविता कहिड़ी है रहस्यवादी, रहस्यवादी, विचारवादी जां रहस्यवादी, दोनों चो कोई भी नेम आ जाए तो यह भाई वीर सिंह जी की कवितावां दा मुख विशा है रहस्यवादी ते विचारवादी। नैक्सट, भाई वीर सिंह जी किस तो प्रभावित सन, किस तो प्रभावित सन? सिख इतिहास तो, गुरबाणी तो, बोलो कुदरत तो, जां उपरोक्त सारे ही? किस तो प्रभावित सन बोलो बच्चे? गुरबाणी तो, सिख इतिहास तो, कुदरत तो, जां उपरोक्त सारे ही? सारे ही, कुदरत दे कवि क्या उन्हां नूं गुरबाणी तो प्रभावित, सिख इतिहास दे संपादक होए ने सारे ही। नोट करो किवें लिखोगे, भाई वीर सिंह जी प्रभावित, अगे प्रमुख नुक्ते करके की लिखोगे? ये ताई दोगे ना, सारे ही, सारे ऑप्शन ताई आणगे बेटे। भाई वीर सिंह जी ये क्वेश्चन आपां पहला किते भी नहीं हुए, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूं। ठीक है, भाई वीर सिंह जी प्रभावित केड़े केड़े विषयां तो, केड़े केड़े खेत्रां तो? गुरबाणी, नेक्स्ट वन सिख इतिहास, सिख इतिहास, नेक्स्ट कुदरत। ऐसे करके उन्होंने कवितावां दे विषय यही ने, कुदरत भी लिखिया उन्होंने, कश्मीर दे चश्मे दी बड़ी सिफत की है जिदे विच रूहानियत उन्होंने नजर आई है, वैरी नाग तेरा पहला झलका जद अखियां विच वजदा, उन्होंने दी बहुत ही कुदरत नूं उन्होंने निहारिया ते कविता लिखती, उन्होंने अंदरों कविता फुट पई कुदरत नूं देख के, कुदरत दे रंग निहारे देख के, जिस विच उन्होंने कुदरत दे विचों कादर दा जलवा नजर आया, कादर मीन्स परमात्मा दा जलवा, उन्होंने ये कविता लिख दी। फिर गुरबाणी, गुरबाणी दे व्याख्याकार हुए ने, सिख इतिहास तो प्रभावित हुए ने, आपां क्वेश्चन किया सिख इतिहास दे की हुए ने, लिखण ते संपादन दा काम उन्होंने किया, इहदा मतलब तिन्ने चीजा तो प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचनावां, प्रसिद्ध रचनावां विच सब तो पहला उन्हां दा महाकाव्य, किहड़ा महाकाव्य है? हुण ऑप्शनस आंदियां ने, महाकाव्य किहड़ा है? लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, राणा सूरत सिंह, जां मटक हुलारे? चार ऑप्शनस ने, इहदे विचों महाकाव्य दसो किहड़ा है, दस सकदे हो? राणा सूरत सिंह, बोलो लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक हुलारे? इहदे विचों मैनूं इह दसो, राणा सूरत सिंह महाकाव्य है, अंडरलाइन कर लो, राणा सूरत सिंह महाकाव्य है। महाकाव्य की है? राणा सूरत सिंह। बाकी सारे उन्होंने की ने? काव्य संग्रह। हुण काव्य संग्रह तो तुसी ऑलरेडी कित्ते होने, मैं बोल देनी एक बारी, बिजलियां दे हार, मेरे साइया जीओ, कंबदी कलाई, लहरां दे हार, मटक हुलारे, प्रीत वीना, कंत सहेली, विजय सिंह सुंदरी ते नौ सिंह नावल ने, वह नावल लिखो, विजय सिंह सुंदरी ते सतवंत कौर, उन्हां दे नावल हन, बाबा नौ सिंह, राजा लख दित्ता सिंह, गुरु नानक चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, ये उन्हां दे वार्तक ने। ठीक है, ये सारिया रचनावां ते हैं, आपां सब तो पहला की किया, कवि भी होए ने, वार्तकार भी होए ने, और की होए ने, नावलकार, नाटककार, मीन्स इहदा मतलब वो साहित्यकार ही होए ने, साहित्यकारी कहांगे ना ओवरऑल, क्योंकि साहित्य के सारे रूपां नूं उन्होंने लिखिया। साहित्य के केड़े केड़े रूप हुंदे ने? दो, कविता ते वार्तक। वार्तक विच उन्होंने
की लिखिया, नावल भी लिखे, नाटक भी लिखे, वार्तक रचनावां भी कीतियां। ठीक है, गुरु नानक चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, अष्ट गुरु चमत्कार उन्हां दे वार्तक ने। ठीक है, बाबा नोह सिंह, सुंदरी, सतवंत कौर उन्हां दे की ने, नावल। राणा सूरत सिंह की है, महाकाव्य। हुण ऑप्शन च आ जाएगा कि बाबा नोहत सिंह, मटको लारे, बिजलियां दे हार ते मेरे साइयां जी चो विचों नावल चुनो, की करोगे? तुसी सिर्फ काव्य संग्रह याद कर लो जेडे इको जे लैवल ने, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटको लारे, मेरे साइयां जीओ, कम दिखलाई, प्रीत बिना, ये की ने काव्य संग्रह। बाकी सारे की ने, नावल ते वार्तक। ठीक है, नेक्स्ट, केड़ी पुस्तक नू साहित्य अकादमी वालों पुरस्कृत किया गया? मेरे साइया जीओ। ये की है मेरे साइया जीओ? नावल है, काव्य संग्रह है, वार्तक है। काव्य संग्रह केड़ी पुस्तक नू, मैं सारे क्वेश्चंस करवा देने आज, इन्हां दे बेस ते ही तुहानू क्वेश्चंस आने, बड़े सोच के आंसर करने पैने, कवि नाल रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने ज्यादा। ठीक है, केड़े काव्य संग्रह नू पुरस्कृत किया गया? मेरे साइया जीओ। उन्होंने भारत सरकार ने केड़ी उपाधि दिती है? सर दा खिताब दिता पद्म भूषण। बोलो, भारत भूषण। केड़ा? पद्म भूषण। भारत सरकार ने की सम्मानित किया? पद्म भूषण। नोट कर लो, पद्म भूषण भारत सरकार वालों। टेबल बना के लर्न करया करो, टेबल बना के। पद्म भूषण भारत सरकार वालों उन्होंने अवार्ड मिले, उपाधि मिली है, उपाधि। ते पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने केड़ी डिग्री दिती उन्होंने? डी लिट दी, डॉक्टर ऑफ। दसो इहदी एब्रीवेशन की बनी? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर दे विद्वान। डी लिट, लिट मीन्स लिटरेचर। ठीक है, समझ आ गई? जिवें पीएचडी हुंदा ना, फिलोसफी दे विद्वान, पीएचडी। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਡ, ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਲਿਟ ਮੀਨਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਲਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਾਂ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ रिलेटिड क्वेश्चन नोट करो। समय नू कौन काबू विच नहीं रख सकता? समय नू कौन काबू विच नहीं रख सकता? कुदरत, घड़ी, मनुख, कौन? इन्हां विचों कोई भी नहीं। कौन काबू च नहीं रख सकता? मनुख। समय नू कौन काबू नहीं कर सकता? मनुख। समा कविता किसी लिखी है? भाई वीर सिंह, मोहन सिंह, धनी राम चात्रे, अमृता प्रीतम। भाई वीर सिंह। नेक्स्ट, पल्ला छुड़ा के कौन खिसक गया? समा। कवि किस रूप विच अपने विचार बयान कर रहा है? इस्त्री दे रूप विच। जे इस्त्री वर्ड है तो इस्त्री, जे जीव वर्ड आया नाल तो जीव इस्त्री, इस्त्री दे रूप विच। नेक्स्ट, तरीक शब्द तो की मीनिंग है? तरीक नो, तेग दा ता तेज हुंदा, त्रिखे अपने वेग, त्रिखे दा मतलब हुंदा तेज। गलत हो गया पुष्टि तेरा आंसर। बोलो तरीक। हां जी दीप्ति। खिचना, तरीक दा की मतलब है? खिचना। उत्थे वर्ड की आणगे? सुटना, कुटना, भजना, खिचना। की आएगा मीनिंग? खिचना। अगे, वेग शब्द दा की अर्थ है? वेग, विंगा, वगना। हां जी, चाल, जा वगना, जा चाल, जा परवाह, जा वेखना। चाल है, वेग दा मतलब स्पीड हुंदा, चाल, जा वगना कहंदे है। पर इत्थे वर्ड की आना? चाल। उड़ंदा शब्द का की अर्थ है? उड़ंदा, उड़दा, उच्चा, उच्चा,
देन उगदा, बोलो की आएगा, उड़दा। ये तो तुम अपने आप ही पता लग जाने। जामदा शब्द का अर्थ है जाना, ठीक है। उत्ते वर्ड आएगा जांदा, जांदा, जानदा, जागदा, बोलो बेटे जागदा। की आएगा जांदा, जेड़ा सबल उड़ंदा, जामदा, जेड़ा समय होता उड़दा जांदा है। समझ आ गई। नेक्स्ट, त्रिखे शब्द अर्थ, त्रिखे तेज, वेग नहीं, त्रिखे अपने वेग। वेग तो वेग का तो ऑब्जेक्टिव है कि त्रिखा है। वेग की है चाल, वेग क्यों जा है त्रिखा तेज। त्रिखे का की अर्थ है तेज, वेग, वगना जा नेड़े, तेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसन रोकने की कोशिश की गई है? समय नू, घड़ी नू, वेग नू, किसन रोकने की कोशिश की गई है? समय नू। जो वर्ड ये आए ना उही वर्ड देने, घड़ी नू रोकने की यत्न किया गया, वेग नू, जा पल्ले नू, जा समय नू, समय नू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संभाल करने लिए किया गया? सेम, समय दी, धरती दी, बच्चों दी, समय दी। गल ही सिर्फ किदे ते है, फोकस किदे ते करना, समय ते। नेक्स्ट, समा कविता विच पल्ला कौन छुड़ा के चला गया? समा, समा पल्ला छुड़ा के चला गया, घड़ी के वेग, समा। अटक तो की भाव है? अटक, अटक जो पाई पन्नी, रुकावट जिसनू रोकिया ना जा सके। अटक जो पाई पन्नी, जो रुक ना सकता होवे, जो रुक नहीं सकता, एहो जे विघन पा देना, रुकावट पैदा कर देनी, अटक, रुकावट, विघन। नेक्स्ट, सफल होने लई की करना चाहिए? नचना टपना चाहिए, हसना गाना चाहिए, बोलो। समय की कदर करनी चाहिए है, जड़ी ऑप्शन आएगी, समय की कदर करनी चाहिए है। की करन लई? जिंदगी सफल होने लई। की समा अपनी गति नाल चलदा है? हां, ना, कदे कदे के उपरोक्त सारे। की समा अपनी गति नाल चलदा है? हां, समा तो अपनी गति नाल चल रहा है, नहीं तो आना ही नहीं, कदे कदे भी नहीं चलता। की आना है? हां, की जो की आवे। कवि ने समय का केड़ा सुभाव बयान किया? स्थिर, सुनो ध्यान नाल, धीमी चाल, तेज चाल, बोलो, तेज चाल, या चलाए मान भी कह सकते हैं, चलाए मान है समा, अपनी चाल चलता, तेज चाल, अपनी चाल नाल चलता समा, रुकता नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नू किस चीज का तरीका नहीं आता? बोलन दा, पढ़न दा, ठहरन दा। ए ठहरन जाच ना जान दा। अगे लाइन कंप्लीट करो, लंघिया ना मुड़के आंदा। इनू लंघ के मुड़के आंदा भी वल नहीं आंदा, दोबारा आंदा कदे समा बीत्या होया। डन बेटे, हुण ए क्वेश्चंस आंसर तुसी सारे कर लेने हैं। हुण आपां कहानी जिथे छड़ी है वो आपां कहानी कंप्लीट कर लईए। सांझी कंध, आपां कित्थों तक रीड किया सी बेटे? कित्थों तक रीडिंग कीती सी? जदों उन्हां दी आपस विच लड़ाई होण दी नौबत आ गई है, सरपंच दी चुक विच आ गया, फिर हुण कंध तां बन गई है, क्योंकि कपूर सिंह नूं भी की चढ़ गया, गुस्सा चढ़ गया, जो कि दरबारा सिंह सरपंच दी चुक विच आ के भड़क उठिया, ते फिर कपूर सिंह नूं भी गुस्सा चढ़ गया। हुण अगे देखो रीडिंग की कहिंदा है। इस तो मगरों कुछ दिन पाके कंध तां बन गई, जो जी चाहीदी सी ओ जी बन गई, पर जीवन दा कोई हज नहीं सी, जिहड़ी गल दा डर सी ओ हो के ही हटी, दोवां धिरां दीआं जमानतां हो गईआं, दिलां विच पाटक पै गए, पाटक मीन दराड़ पै गई, बोलचाल जांदी बणी, पुश्तां लई वैर खड़ा हो गया, पुश्तां मीन आउण वाली जनरेशन लई। नैक्सट,
2-4-6 महीने औड़क वरा लंघ गया, साल लंघ गया। नमाणी दे मौके ते कपूर सिंह ने आप जाके दरबारे तो मंगन दा छेड़ना छेड़ना चाहिए, क्योंकि वादा कित्ते होए सी एक किश्त कदों देनी है। निमाणी ते निमाणी दा त्यौहार आंदा है, एक किश्त कदों देनी है लोहड़ी ते। इत्थे आपां चैप्टर कंप्लीट किया सी, ठीक है, क्लीयर है बेटे। कल की क्लास इत्थों तक रीडिंग होई सी, मुकर तां हो सकदा नहीं सी क्योंकि यह वादा हो गया सी। अगे देखो, 6 महीने होर लंघे, दूजी लोहड़ी की किश्त भी लंघ गई, किश्त तो दित्ती नहीं, निमाणी भी लंघ गई ते लोहड़ी भी लंघ गई। आथन वेले, आथन सवेरे, आथन मी शाम नूं, सवेरे मी कपूर सिंह पंचायत नूं कहण ही वाला सी कि एक सवेरे कालजा फड़ी चाची राम कौर आई। चाची राम कौर कुछ स्नेहा लैके आई है, कहिंदा उह सोच ही रिहा सी कपूर सिंह कि हुण पंचायत नूं कहीए कि मामला सिद्धा कराए कि किश्त नहीं आई। की कहिंदी है, तैं कुछ सुनिया कपूर सिंह? कौन कहिंदी है? चाची राम प्यारी। हैरान होकर कपूर सिंह चौंकिया, ना चाची क्यों, की गल है? लै वे तेनू खबर ही नहीं, मुंडा तां पुंजे लिहा पिया दरबारा सिंह। मुंडा मीन्स उहदा छोटा भरा दरबारा सिंह। की हो गया? पुंजे लिहा पिया दा मतलब की हुंदा? मरन किनारे है। जदों कोई इंसान मर जांदा उहनू कित्थे उतार दिंदे? जमीन ते ना। उहनें अपनी शब्दाली च की कहा कि उहदा पुंजे लिहा पिया, मीन्स उहदी तां जान जाण वाली है। किहनू दस्सिया? कपूर सिंह नूं। दरबारा? कपूर सिंह दे तां पैरां हेठों जमीन निकल गई। लै होर की, उह तां नमोनिए नाल जुड़िया पिया। नमोनिया समझदे हो? नमोनिए दा बुखार हो जाए तां अस्थमा दी प्रॉब्लम होंदी, साह नहीं आंदा। ठंड दी सीट च आ गया, कहिंदा उहनूं ठंड लग गई। राती बहू रोंदी नहीं सी, बोल झली जांदी, उहदी बहू बड़ी रो रही है। बहू मीन्स नूरानी। एक तां इलाज कराउणा किहड़ा सौखा, चंद्रे पैसे कित्थों आण? बिना पैसे मैनू तां चाची हुण तेतों ही पता चलिया। लै अड अड तेनूं कितें उपर आउण जाण वाजो, कंध ओले परदेसी है चाची। कहिंदा मैं उहनूं बड़ा फील होया। कहिंदा बाकी गल्लां छड्डो, मेरा भरा है, मेरे आंदरां दा सेक है उह। लै उह जाने नूहां नालों मास नहीं टुटदा हुंदा। कहिंदिया चाची सैना सुट के चल गई। चाची उहनूं इशारा कर गई, कहिंदा कंधां जाण जिथे जांदियां ने, पर नूहां नालों मास अलग नहीं हुंदा। मीन जड़े खूनी रिश्ते ने उह कदी टुटदे नहीं है। हुण जदों कपूर सिंह नूं गल कह गई, कपूर सिंह उठिया, चकदा चुकांदा दरबारे दे घर चला गया। उहनूं तां धरिया ही नहीं गया कि मेरे भरा दी जान नूं बणी है ते मैनूं खबर ही नहीं है, क्योंकि कितें ना कितें अंदर प्यार है, भरावां दा खून बोलदा। अंदर खून दा की है? रिश्ता है। पसीज जांदे है ना खून दे रिश्ते, दुख सुख वेले की हुंदे है? पसीज जांदे। वेहड़े विच कंध दी ओट नाल धुप्पे दरबारे सिंह दा मंजा सी। कपूर सिंह ने जब दरबारे वल वेख्या तां खड़े दा खड़ा ही रह गया। देखी नहीं गई उहदी हालत, इन्नी माड़ी हालत, कमजोर ही कमजोर निगरदा जा रहा है। पिंजर बनिया पिया शरीर, हड्डियां दी मुठ बन गया, मास नजर ही नहीं आंदा। बीमारी च इन्ना घिर गया दरबारा सिंह, जिहड़ी इन्नी अड़ी दिखांदा सी, जिन्हें कहा सी तू कंध तां खड़ी कर, अपने ते इन्नी दलेरी दिखांदा सी दरबारा सिंह। पर सेहत कित्थों, सेहत दे नाल किवें करे समझौता? धुएं वर्गा रंग हो गया, काला रंग बैंगन गया। जदों कोई बीमार हुंदा ना, कमजोर हो जांदा, लिसा जांदा, रंग भी फिर जांदा। तसियां होईयां अखां, अखां विच वड़ गईयां। दरबारे दी न्याणी टब्बरी विचारे सारे निमोचने बने पए। दरबारे ते पता नहीं की बिपता पै गई है। अंदरों दरबारे दी घरवाली ने मंजे कोल स्टूल लिया दिता। कपूर सिंह जदों उहदे घर गया, कपूर सिंह दरबारे दे कोल मंजे दी बाही उत्ते बह गया। बाही समझदे हो? एक पासे दावन हुंदी है ना मंजी, जिहड़ी बनी हुंदी बाण दी बनी मंजी, उहदे पैरां वाले पासे बैठ गया। की हाल है भाई दरबारिया? किन्ने विचारा प्यार नाल बोलदा, क्योंकि उहनूं तां लग्गिया कि मेरा तां दरबारा भाई दी तां हालत ही बड़ी माड़ी है। रजाई दे आसरे ढो ला के दरबारा कुछ बैठता होया बोलिया, हुण तां चंगा है भाई, बीमारी दा भन्निया होदा निटाल, मन कुछ करार फड़ा है। कोई ना तू प्यारो, उठन दी खेचल ना कर, उहनूं हौसला दिंदा कपूर। कमजोरी जांदा, बोलन लग्या। दरबारे दा सारा तिग कंबदा सी जदों बोलदा सी ना, उहदे सारी बॉडी की है कंबदी है, शरीर च ताकत ही नहीं है, सांह सत्ती नहीं रहा। सब दूर हो जू, उहनूं हौसला दिंदा कपूर सिंह। चुगाठ बच रहे मान बथेरा, कहिंदा चुगाठ बची रहे। चुगाठ मीन्स घर दा हैड बजना चाहीदा,
चुगाठा होंदिया ने जिदे सिर ते की बंदा है, बाकी दरवाजे लगते ने, पहला चुगाठा लगदिया ने जो नवी कोठी बनती घर बनता है, ठीक है, फिर की बनता है, बाकी दरवाजे लगते ने। कहता चुगाट बची रे बाण बथेरा। कपूर सिंह ने हौसला दिता, लोग गड़ गर्म करके उसकी कुड़ी हरबंसो, कुड़ी का नाम है हरबंसो, नोट करो, वन मार्क क्वेश्चन, दरबारे की कुड़ी हरबंसो लैके आई है। लोगड़, लोगड़ की हुंदा बेटे, रूह नू गर्म करके ना सेक देईदा कि तां जो बॉडी नू गरमैश मिले, जिहड़े हड्ड पैर टुटदे पए ने उन्हां नू गरमैश मिले। वो सेकण लई लियाई कि वक्खियां जिहड़ियां ने उहदियां अंदरों जिहड़ा ना दमे की बीमारी हो गई, नमोनिया हो गया, तो उन्हूं सेक मिले। नैक्सट, लोगड़ गर्म करके उहदी कुड़ी हरबंसो लियाई, इलाज किहदा चल रहा है, उन्हें पुछया कपूर सिंह ने। इलाज अशुद्ध वर्ड लिखिया, आंदा की है बेटे वर्ड इलाज, हुण शुद्ध करो च लिख लो इलाज। इलाज नू की लिखदे आ, इलाज, बुक च गलत लिखिया इलाज, पेंडू भाषा है ना इलाज। दरबारा सिंह अगो चुप कर गया, इलाज किसे दा भी नहीं, घर दे इलाज भी कोई इलाज हुंदे ने, कहिंदा घर दा इलाज चलदे पए ओड़ पोड़, कोई इलाज नहीं, पैसा कित्थों आए। कपूर सिंह तो लुकिया की सी, एक दूजे के घर की हालत तो जानते ही सी। कपूर सिंह ने 10 रुपए का नोट करके दरबारे की जेब विच पा दिता। मैं जाके मुंडियो डॉक्टर नू भेजदा, कहिंदा मैं भेजदा डॉक्टर मंडियो, कहिंदा मेरी जान पछाण वाला डॉक्टर हैगा, मैं भेजदा, तू हाले तकड़ा है, देंदा रही पैसे, पैसे कितने नाल नहीं जाने। कहिंदा अगे देखो दरबारे दियां अखां सिम गईयां, अखां विच अथरू आ गए, प्यार आ गया ना, सिम गईयां। थोड़े चिर पिछो भरे गज नाल, गच मीनस भरे, गच मीनस भरे गले नाल बोलिया, धीमा हुक बोलिया, मकान का काम चढ़ गया सिरे। हुण उहनूं आंदा वी ना भरा नाल चंगा नहीं किता, कहिंदा मकान का काम सिरे चढ़ गया, थोड़ा जिहा टिप टला रहिंदा है, सीमट थुड़ गया। कौन कहिंदा है अगों? कपूर सिंह कहिंदा थोड़ा बहुत रह गया काम। लास्ट पैरा बेटे, मैनू तां सोहरा सरपंच भखाउंदा रहा, नहीं तां मैं किहड़ा तेरा दोखी सी। इह कौन कहिंदा? दरबारा कहिंदा, कहिंदा मैं तां एवें किहदी चुक च आ गया सरपंच दी, मैं कोई तेरा दोखी आ? तू मेरा भरा है, असीं मां प्यो जाए आ, एक मां जाए आ, एक दूजे दे दुख सुख दे साथी आ, आपां तां तीसरे दी धिर दी गल विच आ गए। हुण तू इन्हां गल्लां नूं मन ते ना लिया। इह कौन कहिंदा? कपूर। जे चारे भांडे हुंदे आ तां खड़कदे ही है। कहिंदा कोई गल नहीं, लड़ाई झगड़ा तां हुंदा ही रहिंदा है, हार दा बस बंसो दा व्याह दे दईए। दरबारे ने दे लूह लूह चो अपना जाग पई, कहिंदा हार दे महीने बंसो दा व्याह रख्या है, बस वो हो जाए, अपना मीन्स अपना पन जा गया। उन्हूं दस दिता कि मेरी बंसो दा व्याह रख्या पर मैं ठीक हो जा, कोई डर नहीं, जिहड़ा पार सिरों लै जाए चंगा है। कपूर सिंह हौसला दे रहा है, तू आएगा जिकन तू कहें? कहिंदा तू मेरी कुड़ी दे व्याह ते आएगा? कहिंदा जिकन तू कहें मैं क्यों नहीं आऊंगा? दरबारे ने कंबदे हत्थां नाल कपूर दा हत्थ फड़ लिया, तेरे बिना बाई मैं कादे जोगा। देखो दरबारा सिंह नूं पता लग गया बीमार पे नूं सोझी आ गई, कहिंदा तेरे बिना तो मैं कादा? भरा भरा दियां की हुंदे ने बेटे? बाहां हुंदे ने, दुख सुख दे साथी हुंदे ने, मटमटाव तां हुंदा ही रहिंदा, ठीक है ना, कोई लड़ाई झगड़ा तां चलदा ही रहिंदा। ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी दी आपां कट ऑफ कर लईए। उहदे बुल फरकण लग पए, अखां विचों परल परल हंझुआं दियां धारां फुट पईआं। वो तो दिल रख वीर, मैं ते तो नाबर तो नहीं। एक कपूर सिंह ने कहना मैं ते तो बारा नहीं है, जिवें तू कहेगा उवें ही होएगा। कपूर सिंह ने मसीए बोल आखे, हंझुआं दियां धारां हुण उहनां दे चेहरे उत्ते वग पईआं, दोनों पासिआं तों रो रहे ने, इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, क्योंकि अपनापन अपनी सांझ जाग पई है। वह एक सांझी कंध दे करके जिहड़ा झगड़ा पिया सी, जदों दरबारा सिंह बीमार होया ता कपूर सिंह तो रिहा नहीं गया, उस समय दोनों का आपसी प्यार फिर तो जाग पिया। क्लियर है बेटे कहानी? इहदा भाव की निकलिया, कदी किसी की चुक च नहीं आना चाहिदा, घर दे झगड़े घर दे अंदर ही बड़े प्यार दे नाल अच्छी भावना नूं लैके निबेड़ लैने चाहिए ने, क्योंकि भरा ही भरा दे साथी हुंदे ने दुख सुख वेले। क्लियर है बेटे? बोलो कर लोगे? हुण मैं इहदे वन मार्क क्वेश्चन की असाइनमेंट भेजांगी। नूहां नालों मास नहीं टुटी दा उहदा की अर्थ है? सके सके ही रहिंदे हन, सके सकिआं नालों कदी टुटदे नहीं, दुख सुख दे साथी हुंदे ने।
आज का टेस्ट प्रिपेयर करके सारे बच्चों ने टेस्ट विच अपीयर होना है, ठीक है बच्चे। और सांझी कंध कहानी एक बार रीड करके मैं वन मार्क क्वेश्चन की असाइनमेंट भेजांगी, वो बच्चे कर लेना कंप्लीट, ठीक है बच्चे। थैंक यू।